अस्सलाम एवरीवन, आज मैं आपके साथ बनाने लगी हूँ आलू की बॉल्स और आलू की टिक्कियों की शेप भी आप उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मैश किए हुए आलू ले लिए हैं हाफ के जी। इसके लिए गाजर बहुत बारीक मैंने चॉप कर ली है और शिमला मिर्च। ये वेजिटेबल्स के साथ मैं बनाऊंगी। 1 टेबल स्पून नमक, 1 ही मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और सब्ज़ मिर्चें और दूसरा ग्रीन धनिया। सबसे पहले हम लोगों ने आलूओं को मैश कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाजर। ये वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी होंगे। आप लोग इसको बनाए और इसमें सारे के नमक मिर्च सारे मसाले ऐड करेंगे हम लोग। ये सब कुछ इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो, हाथ से इसको मिक्स कर लें अच्छे से। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हम लोगों ने। अब हम इसकी शेप्स बनाएंगे। चाहे तो बॉल्स की शेप्स में आप इसके बना लें या फिर आप टिकियाँ बनानी चाहते हैं तो टिकियाँ बना लें। मैं दोनों शेप्स में आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसकी टिकियाँ और राउंड शेप में बना लिया। अब इसको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए एक अंडा फेंटा हुआ। इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। ये मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया, अब हम इसको हम लोग इसके अंदर डिप कर। ये हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, ये वाली भी, दोनों बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है इनके ऊपर ब्राउन। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं दोनों। इसको आप आलू के कोफ्ते भी समझ लें, बन गए हमारे। इसको हम उतार लेंगे प्लेट में। इनको भी हम बहुत आराम से पकड़ के उतार लेंगे। ये देखें टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ और दही के साथ एंजॉय करें और मुझे बताइएगा कैसी बनी। इतना मज़े का टेस्ट आएगा।